हेलो गाइज, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे रेडमी नोट 10s वर्सेस गाइज टेक्नो कैमन 20। जी हाँ गाइज, दोनों के कैमरा दोस्तों 64 मेगापिक्सल के हैं और गाइज AI के साथ आते हैं। तो गाइज देखते हैं कि दोनों में से कौन से वाला कैमरा बेस्ट है। तो गाइज दोनों का कैमरा टेस्ट करेंगे, एक कंपेरिजन होने वाला आज के इस वीडियो के अंदर। और गाइज नेक्स्ट आपको कौन सा कंपेरिजन चाहिए मुझे कमेंट करके बता देना। इसके अंदर गाइज हम लोग कैमरा के अंदर जाते हैं तो गाइज इसके अंदर 64 मेगापिक्सल मिलता है देखने को। और गाइज यहाँ पर दोनों के अंदर आपको 64 मेगापिक्सल देखने को मिलता है कैमरा। यहाँ पर गाइज आपको यहाँ पर 64 मेगापिक्सल देखने को मिल जाएगा। तो इसको यहाँ से सेलेक्ट करके हम लोग फोटोज़ क्लिक करेंगे और भी गाइज बहुत सारे इसके अंदर हम लोग काम करेंगे। सो आप गाइज फोटोज़ क्लिक करने के साथ साथ वीडियोग्राफी भी देखेंगे। उसके बाद गाइज दोनों का BGMI कंपैरिजन भी होने वाला है और गाइज आपको और कंपैरिजन पोको डिवाइसेज के साथ मिलेगा। और तो चलिए गाइज हम लोग आगे इसको टेस्ट करते हैं और गाइज आपको मैं हर एक चीज़ दिखाने वाला हूँ लास्ट तक दोस्तों। इसके अंदर आप लोग 10s के अंदर 4K तक रिकॉर्ड कर पाएंगे वीडियो क्वालिटी के अंदर। और गाइज यहाँ पर आप लोग देखते हैं टेक्नो वाले के अंदर आप लोग ओनली 2K तक करते हैं रिकॉर्ड। तो गाइज यहाँ पर फ्रंट और दोस्तों बैक दोनों में 2K होती है, लेकिन गाइज 10s के अंदर ये वाला नहीं है। फ्रंट के अंदर आपको 180p 30fps देखने को मिलता है। तो गाइज चलिए मैं रिकॉर्ड करता हूँ। सबसे पहले गाइज मैं दोनों से कुछ दोस्तों रिकॉर्ड करूँगा, उसके बाद गाइज मैं आपको कंक्लूजन देने वाला हूँ। तो फिलहाल गाइज मैं पहले क्या करता हूँ, टेक्नो वाले से रिकॉर्ड कर लेता हूँ पहले फोटोज़। तो ये हमारा टेक्नो वाला डिवाइस है, इससे गाइज मैं कुछ फोटोज यहाँ पर पोर्ट्रेट फोटो 64 मेगापिक्सल से फोटो और भी गाइज बहुत सारे हर एक दोस्तों जो भी ऑप्शन हमें देखने को मिलते हैं उससे गाइज मैं सब चीज़ दोस्तों क्लिक कर लेता हूँ। और गाइज क्लिक करने के साथ ही मैं इसका दोस्तों आपको दिखा दूँगा साथ में पूरी तरीके से एक चीज़ वाटर मार्क भी मैं उसका ऑन करने वाला हूँ, ताकि गाइस दोनों के अंदर आपको पूरी तरीके से जानकारी हो कि कौन से वाला क्या है। तो ये टेक्नो के अंदर 2K से हम लोग दोस्तों वीडियोग्राफी कर सकते हैं। अभी गाइस हम लोग करते हैं रेडमी नोट 10s से कुछ फोटोज़ क्लिक और गाइस दोनों का एक साथ हम लोग कंपैरिजन कर लेंगे बाद में। तो यहाँ पर गाइस ये रेडमी वाले से मैं करता हूँ क्लिक, 64 मेगापिक्सल के अंदर आ चुका हूँ। यहाँ पर गाइस देख सकते हैं आप लोग, मैं इसके अंदर माइक्रोशॉट भी क्लिक करने वाला हूँ। तो गाइस माइक्रोशॉट इसके अंदर आपको अलग से देखने को मिलता है, और कैमरा वाले के अंदर आप लोग जब AI के साथ 2x यहाँ पर दोस्तों करते हैं तो आपको उस टाइम माइक्रोशॉट देखने को मिलता है। तो गाइज मैं यहाँ पर फोटोज़ है वो क्लिक कर लेता हूँ, पोर्ट्रेट से कर लिए मैंने फोटो क्लिक। वीडियोग्राफी कर रहा हूँ दोस्तों इसके बैक कैमरा से। और गाइज यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, अभी गाइज हम लोग इसके कंक्लूजन पे बात करते हैं। तो गाइज यहाँ पर फ्रंट कैमरा 180p 30fps इसके अंदर आप रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो अभी गाइज हम लोग कंक्लूजन की ओर बढ़ते हैं। तो इधर वाले दोस्तों देख सकते हैं 10s है ये वाला कैमन 20 है। तो गाइज दोनों के यहाँ पर कैमरे की बात करें तो गाइज बैक कैमरा से फोटो दोस्तों दोनों की डिसेंट आई है। जी हाँ गाइज दोनों के अंदर आपको एक जैसी क्वालिटी देखने को मिलती है, किसी भी टाइप के गाइज क्वालिटी के अंदर आपको कोई भी चीज़ देखने को अलग दोस्तों नहीं मिलती है। दोनों के अंदर गाइज पोर्ट्रेट बढ़िया तरीके से किया गया, देख सकते दोस्तों दोनों के अंदर ओनली फ्लावर को यहाँ पर फोकस किया गया, पीछे का बैकग्राउंड ब्लर किया गया। कैमन 20 और नोट 10s दोनों की बात कर रहा हूँ। तो गाइज यहाँ पर देख सकते हैं पोर्ट्रेट के अंदर भी ये 64 मेगापिक्सल के अंदर बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको रिकॉर्ड किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर गाइज वीडियोग्राफी की बात करें, कैमन 20 के अंदर आप लोग 2K तक वीडियोग्राफी कर सकते हैं। तो गाइज इसके बैक कैमरा से 2K वीडियोग्राफी जो कि गाइज एकदम बड़े तरीके से डायनेमिक और दोस्तों कॉन्ट्रास्ट एकदम बड़े तरीके से दिखाए गए हैं। तो गाइज इसकी बहुत ही अच्छी क्वालिटी मुझे देखने को लगी 2K के मुकाबले। फ्रंट कैमरा भी हम लोग दोस्तों 2K तक वीडियोग्राफी कर सकते हैं। तो गाइज इसके फ्रंट कैमरा से 2K वीडियोग्राफी है, इसकी क्वालिटी भी गाइज एकदम डिसेंट है, यानी गाइज बढ़िया तरीके से इसकी क्वालिटी है। तो गाइज कैमन वाला यहाँ पर कैमरा क्वालिटी की बात करूँ तो दोनों चीज़ों में एकदम बढ़िया तरीके से चल रहा है। अभी गाइज यहाँ पर 10s के अंदर आप लोग दोस्तों बैक कैमरा से 4K 30fps और 1080p 60fps 1080p 30fps 780p 720 30fps तक कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ पर देखिए इसके बैक कैमरा से मैंने एक वीडियोग्राफी की है दोस्तों जो कि एकदम अच्छी तरीके से आएंगे। 4K है तो गाइज आपको बहुत ही डिसेंट देखने को मिलेगी, कैमन वाले से बढ़िया दोस्तों, क्योंकि उसके अंदर 2K दोस्तों वो अपने हिसाब से बढ़िया चल रहा है। यहाँ पर दोस्तों फ्रंट कैमरा 10s के अंदर 180p 30fps है। तो गाइज ये दोस्तों मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि जिसके अंदर ऑटो फोकस की प्रॉब्लम है। तो गाइज ये ऑटो फोकस यानी गाइज अच्छी तरीके से नहीं कर रहा है, बीच बीच में आप लोग देख सकते हैं। तो गाइज ये बुरा है, यानी कि यहाँ पर 10s दोस्तों बात खा जाता है। उसके बाद गाइज यहाँ पर 10s के अंदर हम लोग मैक्रो को सिलेक्ट करते हैं और गाइज कुछ फोटोज़ मैक्रो शॉट लेते हैं, उसके बाद गाइज लास्ट में हम लोग पूरी बात कर लेते हैं। तो गाइज इसका मैक्रो शॉट है, यहाँ पर गाइज 2x तक आप इसको जूम कर सकते हैं। तो गाइज माइक्रोसॉफ्ट भी इसका अच्छा आ रहा है। तो गाइज यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला, इसके मैंने दो माइक्रोसॉफ्ट फोटो क्लिक किए। तो गाइज 10s इसके मुकाबले में ठीक है। तो गाइज फाइनल कंक्लूजन की ओर चलते हैं। तो गाइज यहाँ पर हम लोग बताता हूँ आपको, तो गाइज फाइनल बात ये कि टेक्नो के अंदर गाइज आप लोग हर एक चीज़ बढ़िया तरीके से कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वीडियोग्राफी और भी गाइज बहुत ही बढ़िया तरीके से। अभी तक दोस्तों किसी भी टाइप की कोई भी दिक्कत इसके अंदर ऑटो फोकस से रिलेटेड या फिर गाइज कोई भी चीज़ आपको गलत देखने को गलत या फिर दोस्तों कोई भी आपको इशू नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन गाइज 10s के अंदर एक इशू है ओनली गाइज वीडियोग्राफी, जो फ्रंट के अंदर आपको देखने को मिलती है ऑटो फोकस प्रॉब्लम, और गाइज बाकी सब बढ़िया। तो गाइज ये था इसका कंक्लूजन। अभी गाइज आपको वीडियो कैसे का कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।